दरअसल वो मैं पूछना चाहती थी कि वो है ना वो रुक बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा दारू ऐसा कुछ चाहिए क्या? ऐसा बोल रही हूँ? अरे जो चाहिए साफ साफ बताओ ना। यादव सर के बारे में पूछना चाहती हूँ। शिवा भाई हूँ मैं। कौन हूँ मैं? शिवा भाई। मैडम, दिल का टूटा हुआ आदमी कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको मिलाने की, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। आदमी की याद हमेशा उसके चले जाने के बाद ही क्यों आती है? वैसे सर, टेस्ट कैसा है उसका? बहुत कड़की से। सोचना भी मत शिवा इसके बारे में, वरना इसमें ही डुबो डुबो कर मारूंगा मैं तुम्हें। वो अपना बोगाम्बो क्या कहता है, पढ़ाई जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये मुर्गा अंडा दे रहा है। तुझा मुर्दा पसवला साल्या। ए, तू क्या अपने बाप की जागीर समझता है क्या मैं, जो मार के जा रहा है मुझे? ए रोहित, सुने जरा बाप को याद किया रे। रोहित किसी के बाप से कम थोड़ी ना है, अभी से इसका बाप याद दिला के रहेगा। बैठो बैठो बैठो, पीछे मत आओ, कहीं कोई देख ना ले। ऐसे ही बैठो। मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी बहुत याद आती है, मन करता है तुमसे मिलने का। क्या हो गया प्रेम? मधु, अब हम ना ही मिले तो अच्छा होगा। ऐसा कोई करता है भला? राम 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 राम, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरे पर्सनल मामले के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और आप इन सब से दूर ही रहोगे तो अच्छा होगा। अरे मैडम, अब तो गुस्सा हो गई। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। पहले से ही मेरी सटकी हुई है, और मत सटका, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी स्कूल में भेजूंगा। कैसा लगा? लुकड़ा पहलवान, चला आपने रोहित से भिड़ने। जब मिल बैठेंगे दो सर फिरे तो बड़ा मजा आएगा।